आज हम फिर से एक नई कविता लेके आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की एनसीईआरटी बुक की पोयम अमांडा, जिन्हें रॉबिन क्लेन ने लिखा है। ये उनकी एक रचना है जिसके बारे में हम जानेंगे कि एक बच्चा अपने फ्रीडम के बारे में क्या सोचती है, वो अपने फ्रीडम के बारे में क्या प्रतिक्रियाएँ देती है जब उसकी माँ उसे किसी भी कार्य करते हुए रोकती है या टोकती है। तो वो अमांडा सोचती है, ये अमांडा की माँ उसे हर बात पर टोकती है, कहती है तुम ऐसे मत बैठो, वैसे बैठो, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया, जिससे अमांडा को काफ़ी बुरा लगता है। वो चिढ़ जाती है, वो सोचती है कि उसकी माँ उसे क्यों टोकती है, उसकी कोई आज़ादी नहीं है, उसकी कोई फ्रीडम नहीं है। तो इस कविता में यह है कि वो बच्ची जो है वो हमेशा अपनी आज़ादी के बारे में सोच रही है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए, पर उसे अभी समझ नहीं है कि उसकी जो माँ है वो उसकी भला के लिए सोच रही है। अब जैसे कि अगले पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कि अमांडा जो है वो चॉकलेट खाना पसंद करती है, जब चॉकलेट खाती है तो उसकी माँ उसे रोकती है, कहती तुम चॉकलेट मत खाओ, और तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तुम्हारे फेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे। पर ये अमांडा को ये बात लगती है बुरी, क्योंकि अमांडा इसमें इसकी सच्चाई नहीं जानती है, वो तो बस इतना जानती है कि वो कुछ भी कर रही है उसकी मदर उसे रोक रही है। तो इस कविता में यह है कि एक बच्चे अपने काल्पनिक दुनिया में कैसे खोए रहते हैं। हम आप सब मन में कभी सोचते होंगे कभी कुछ ऐसा हो जाए, हम हमेशा अपने काल्पनिक लाइफ में जीते रहते हैं। आप इसी बात में मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लास 9th 10th के स्टूडेंट होते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि एक होता है रियल लाइफ, एक होती है वर्चुअल लाइफ। रियल लाइफ वो होती है जहाँ पे सब कुछ सही में होता है, वर्चुअल लाइफ वो होती है जिसमें क्या होता है हम बस उसे कल्पना में सोचते हैं। वर्चुअल लाइफ किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसे वर्चुअल कहते हैं। अब जैसे कि आजकल ट्रेंड चली हुई है कि आप लोग कहीं घूमने जाते होंगे तो एक साथ 10, 20, 50 फ़ोटो लेते होंगे। 50 फ़ोटो में से 2 फ़ोटो को आप चूज करते होंगे, जो 2 सबसे बेस्ट फ़ोटो होती होगी, और फिर उस 2 फ़ोटो को आप एडिट करते होंगे, उसको और अच्छा बना के उसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड करते होंगे, और आप उसको हर 5 मिनट 10 मिनट पर चेक करते किसी ने कमेंट किया, किसी ने लाइक किया। क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि हमें समझ नहीं है कि हमारे लिए रियल लाइफ क्या है, वर्चुअल लाइफ क्या है। हमें हमारे पेरेंट्स, हमें हमारे टीचर, हमें हमारे मेंटर्स हमको मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि क्या तुम्हारे लिए रियल लाइफ है और क्या तुम्हारे लिए वर्चुअल लाइफ है। तो आपको अपने वर्चुअल लाइफ से बाहर निकलनी है और आपको आनी है अपने रियल लाइफ में, ताकि आप देख सको कि जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि होता है, जो हम सपना देखते हैं जरूरी नहीं कि पूरा हो जाएगा, आपको मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन में आपने हार मान लिया तो आप कभी जीत नहीं सकते, और मन में आपने एक हारे हुई चीज़ को भी जीत मान लिया तो आपकी जीत कोई नहीं रोक सकती। इस कविता में जो कहा गया है, ये कहा गया कि अमांडा जो है वो अपनी ख्यालातों में डूबी रहती है, कभी अपने आप को एक परी से तुलना कर लेती है, परी जैसे कि कविता में कभी अमांडा अपने आप को रैपेंजल से तुलना कर लेती है। रैपेंजल वो होती है जिसके पूंछ बड़े होते हैं, वो सोचती है कि काश वो उड़ के परी की तरह उड़ के एक बड़े से टावर के ऊपर चली जाए, ना उसे कोई टोके ना रोके, ना उसे किसी बात की चिंता हो कि कोई हमें परेशान करेगा। वो अपनी आज़ादी के सपनों में खोई रहती है कि वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसे पता नहीं कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। उसकी मदर उसे रोकती है, कहती है उसे तू अपना होमवर्क कर लो, तो अपने बाकी जो काम है वो कर लो, किसके सामने कैसे पेश आओ। तो आपके हम सब के मदर जो होते हैं या हम सब के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों से कैसे पेश आनी चाहिए, हमें किन बातों पर कैसी प्रतिक्रियाएँ करनी चाहिए, हमें क्या बोलनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बातें 2 तरह की होती है, एक होता है ठीक से बोलना और एक होता है ठीक ठीक बोलना। जब आपके अंदर ये दोनों बातें आ जाएगी ना, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो इस कविता में हमने बस यही सीखा कि हमें अपने लाइफ में क्या करनी चाहिए। हमें जो हमारे मदर पेरेंट्स कुछ भी कहें तो हमें उनकी बात को गौर से सुननी चाहिए और उसे पूरी करनी चाहिए। इस कविता में राइटर जो है वो अमांडा के साइड बिल्कुल नहीं लिए, मतलब अमांडा के तरफ से कुछ नहीं कहा है कि
क्यों? क्योंकि राइटर भी जानते हैं और हम भी और आप भी जानते हैं कि अमांडा जो सोच रही है वो क्या है, गलत सोच रही है। वो सोचती है अपनी आज़ादी के बारे में, वो सोचती है अपने फ्रीडम के बारे में, पर उसे ये नहीं पता कि उसकी फ्रीडम का क्या मतलब है। हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं, जैसे कि हम थोड़े से बड़े होते जाते हैं, मतलब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पहुँचते हैं, तो हम अपनी प्राइवेसी को रिकमेंड करने लगते हैं, अपनी प्राइवेसी की डिमांड करने लगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। पर प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता कि आपके मन में जो आए हो आप वो करो और आपको कोई रोके भी ना और टोके भी ना। तो इस कविता में हमने बस इतना ही सीखा कि एक फ्रीडम के क्या क्या मतलब होते हैं और क्या क्या मायने होते हैं। फ्रीडम की मतलब हर जगह उनके सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि आप फ्रीडम किस तरह के मांगते हैं। बहुत लड़के अपने फादर से फ्रीडम की डिमांड करते हैं कि हमें परेशान मत करो, कॉल करते तो हमें मत डांटो, पर इसके मतलब ये नहीं होता कि आप। इस कविता में हमने ये सीखा कि हमें क्या लाइफ में करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो हम इस कविता को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम फिर से इसी उत्साह और इसी जोश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।